और हाथरस में भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद से गायब भोले बाबा जब सामने आया तो उसके 2 मिनट के बयान में हर शब्द फरेब और झूठ से भरा हुआ था। यानी बाबा ने अपने बयान में जो कहा और उसने जो किया दोनों आपस में मेल नहीं खाते। इसी से समझा जा सकता है कि स्वयंभू बाबा कितना बड़ा फरेबी है। बाबा तो सामने आया लेकिन बयान पर झूठ का साया। बाबा की कथनी करनी में फर्क क्यों? वो मुर्दे में जान फूंकने का दावा करता है लेकिन लाशों का अंबार लगाकर वो भाग जाता है। मौत, मातम और दर्द के 4 दिन बीत जाने के बाद बाबा सामने आया तो सबके लिए झूठ का पुलिंदा लेकर आया। ऐसा झूठ जिसमें उसकी कथनी करनी में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। पहले पाखंडी बाबा का बयान सुनिए, फिर उसके झूठ को बेनकाब करते हैं। पाखंडी बाबा कहता है कि मैं 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत व्यथित हूँ, लेकिन अगर वो सच कह रहा है तो दर्द बांटने के बजाय बाबा फरार क्यों है? हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। बाबा कहता है कि प्रभु हमें इस दुख की घड़ी से लड़ने की शक्ति दे। वो खुद को भी कभी भगवान कहता था, लेकिन अब सवाल उठता है कि घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय हादसे को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी में घड़ी से उबरने की शक्ति दें। बाबा का सबसे बड़ा झूठ तो तब पकड़ा गया जब उसने कहा सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे, लेकिन सवाल ये है कि वो खुद पुलिस से अब तक क्यों भाग रहा है? सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। बाबा के बयानों और उसके इरादों का फर्क हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बयान से साफ है कि उसके अंदर का चोर पुलिस के सामने आने से रोक रहा है। हालांकि स्वयंभू बाबा के वकील एपी सिंह का दावा कुछ और ही है। साकार हरि किसी FIR में नामजद है क्या? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। वांटेड है क्या? नहीं। कोई उनसे किसी को पूछताछ करनी है क्या? बिल्कुल, पुलिस को तो बिल्कुल करनी होगी। आप तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। लेकिन पुलिस लगातार उनके, देखिए पुलिस उनके जो उनका घर है उसके बाहर है। सवाल घर कहीं सवाल देखिए खड़ा तो उनका घर कहीं नहीं, उनका घर कहीं नहीं है, उनके आश्रम होते हैं और वो आश्रम उनके नहीं होते हैं। अगर कोई भी आश्रम इस देश में नारायण साकार हरि के खुद के नाम है तो मैं आपको उनके एडवोकेट होने के नाते डॉक्टर एपी सिंह घोषणा कर रहा है कि वो आश्रम News18 को हम डोनेट करते हैं, आप उनके देश हित के लिए काम। बाबा के बयानों में शुरू से आखिरी तक झूठ ही झूठ भरा नजर आता है। करीब 2 मिनट के बयान में बाबा का हर शब्द झूठ में डूबा हुआ था। ऐसा झूठ जिसे पचा पाना आसान नहीं। बाबा ने अपने बयान में कहा कि हमें विश्वास है कि उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि सबसे बड़ा विलन जनता उसे ही मान रही है, फिर 4 दिन से पुलिस के सामने क्यों नहीं आया बाबा? हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा ने अपने बयान में पीड़ितों के साथ जीवन भर खड़े रहने का आग्रह किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाखंडी बाबा पीड़ितों से मिला तक नहीं, फिर भला वो जीवन भर साथ खड़ा रहने का दावा कैसे कर सकता है? दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। बाबा की कहानी में गजब का झोल है।
वो बाबा जो उपद्रवियों को ही बख्शे जाने का दावा कर रहा है, हादसे के बाद कुछ इस तरह भाग रहा था। हालांकि बाबा के वकील एपी सिंह दावा कर रहे हैं कि बाबा कहीं छिपे नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि बाबा सामने भी तो नहीं आ रहा। बाबा का इतने दिन बाद आना सामने, ये थोड़ा हजम नहीं हुआ, किले की तरह उसमें रहे। लोगों ने तो कल ही तो कहा था आपने कि न्यूज 18 ने कहा था कि लेटर से नहीं बल्कि सामने आना चाहिए। हाँ। मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अगले दिन पूरी कर दी। आपने कहा मधुकर फरार, हमने कहा नहीं, मधुकर हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, हार्ट और मैंने एंटीसिपेटरी बेल नहीं किया, सरेंडर नहीं लगाया। कौन लोग थे जिन्होंने हमारे लोगों को लाश बना दिया और हमें जिंदा लाश बना दिया? हम जिंदा हैं, सेवादार जिंदा है, लेकिन जिंदा लाश बने हुए हैं, क्योंकि 121 लाशें मरती हुई देखी हैं, सैकड़ों लोगों को इंजर्ड होते हुए देखा है, अपने घर को खुद बर्बाद होते हुए देखा है, हमारा खुद अपना घर बर्बाद हो गया। बाबा पर्दे के पीछे से एपी सिंह के जरिए खेल रहा है, जबकि उसके मोहरे एक एक कर सामने आने लगे हैं। पुलिस की फाइलों में जिसे मौतों का जिम्मेदार बताया गया, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था, अब वो मधुकर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। यूपी एसटीएफ ने उसे अरेस्ट किया तो उम्मीद जाग उठी कि अब कई राज खुलने वाले हैं। मुख्य आयोजक मधुकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है, यानी बाबा का राइट हैंड अब हर राज उगलेगा। 121 मौतों की कहानी कैसे लिखी गई, इसके भी जवाब मधुकर को देने होंगे। कहां से भीड़ आई, क्यों पुलिस को रोका गया और भगदड़ के बाद बाबा कहां फरार होकर निकला, इन सब के जवाब मधुकर से मिलने की उम्मीद है। बाबा अपने किसी आलिशान आश्रम में छिपा है, कानपुर, लखीमपुर, नोएडा, संभल या और कहीं। अब तक की रिपोर्ट दावा करती है कि वो मैनपुरी के आश्रम में ही छिपा है, क्योंकि उसका बयान भी मैनपुरी के ही किसी ठिकाने से सामने आया है। बहरहाल एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन बाबा अब तक जांच के दायरे से दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। बाबा साकार हरि का हर चेहरा अब सामने आ रहा है, उसकी लाविश लाइफ, आलिशान आश्रम और आश्रम के स्पेशल इंतजाम। एक ऐसा ही खुलासा उसे अलवर आश्रम को लेकर भी हुआ है, और आश्रम के आसपास रहने वालों का यह दावा है कि वहां पर किसी भी स्थानीय आदमी को जाने तक नहीं दिया जाता था। बाबा के इस एकांतवास में सिर्फ लड़कियों और औरतों को ही जाने की इजाजत थी, ऐसा दावा अलवर के लोगों का है। देखिए, स्वयंभू बाबा का अलबेला आश्रम, यानी उसके रहस्य लोक का एक नया चैप्टर, जिसके खुलते ही बाबा का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वो आश्रम जहां सिर्फ लड़कियों को थी जाने की इजाजत। मैनपुरी से लगभग 303 किलोमीटर दूर राजस्थान का अलवर जिला, अलवर जिले सहजपुरा में भी बाबा का 1.5 बीघे के करीब जमीन पर बना एक आलिशान आश्रम है, जो हमेशा से स्थानीय लोगों के लिए मिस्ट्री बना रहा। लेकिन इस आश्रम के सबसे हैरान करने वाला सच का कनेक्शन लड़कियों से है। उनकी नासनी भी नहीं, यहाँ की नासनी, यहाँ भी दोबारा आए हैं, दोबारा है। आश्रम में हम आए बिना और वहीं से एंट्री नहीं होती थी, किसी की भी कोई एंट्री नहीं। यानी इस आश्रम में किसी भी लोकल आदमी को एंट्री नहीं मिलती थी, बल्कि आश्रम में स्पेशल पास वाली महिला भक्तों को ही जाने की इजाजत थी। इस आश्रम में जब सत्संग होता था तभी आम श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाजत मिलती थी। सहजपुरा गांव के लोग बताते हैं कि बाबा के इस आश्रम में गांव के लोगों को आने जाने से रोक दिया जाता था, सिर्फ बाहर से ही आने वाली महिला श्रद्धालुओं और लड़कियों को आश्रम में आने की अनुमति थी। महिला सेवादारों के अंदर जाने के बाद आश्रम में क्या होता था, ये कोई नहीं जानता।
हादसा हुआ नहीं। भीड़ तो भयंकर भयंकर थोड़ा ये इनकी दिक्कत ये आती थी कि गांव वाले जैसे आ रहे हैं ब्याह शादी या फंक्शन है तो रास्ते रास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको उनसे कह सकते उससे निपटा देते हैं। यानी बाबा के मायावी लोक में लड़की और महिलाओं को लेकर हमेशा से एक मिस्ट्री बनी रही। स्थानीय लोग ऑफ द कैमरा इन आश्रम को अय्याशी का अड्डा करार दे रहे हैं। बाबा की नियत पर सवाल इसलिए भी उठाए जाते हैं क्योंकि उसके प्राइवेट महिला आर्मी भी जनरल गद्दाफी की तरह ही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूरजपाल जाटव के पूर्व सेवादार रहे रंजीत सिंह के दावे से कई सनसनीखेज सच उजागर हुए। रंजीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि सूरजपाल जाटव के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। सूरजपाल इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है, यानी टोटल फर्जीवाड़ा। स्वयंभू बाबा ने सारा साम्राज्य परेड की बुनियाद पर स्थान रखा है, लेकिन पाखंड पर खड़े उसके साम्राज्य की नींव अब हिल चुकी है। पाखंडी बाबा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पाखंडी बाबा मुर्दे में जान फूकने का दावा करता है। वो कहता है कि प्रलय ला सकता है, वो कहता है कि भगवान है, वो कहता है कि उसके चरणों की धूल से हर मर्ज भी ठीक हो जाता है। लेकिन आज से 24 साल पहले जब उसने मुर्दे को जिंदा करने का दावा किया था, तब क्या हुआ था? आखिर क्यों 24 साल पहले स्वयंभू बाबा को जेल की हवा खानी पड़ी थी? पूरी कहानी समझते हैं। मुर्दे में जान फूकने का दावा। मौत का तमाशा, बाबा की जय जयकार। पाखंडी पर पहली FIR की कहानी। 24 साल पुरानी बात है। जगह थी आगरा का केदारनगर। यहाँ के शमशान घाट में सफेद चादर से लिपटी एक लड़की की लाश रखी थी। चादर पर लाल कपड़ा रखा था। आसपास लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। लड़की को कैंसर था और उसकी मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी। एक बाबा ने दावा किया कि वो लड़की को जिंदा कर देगा। सैकड़ों लोगों की भीड़ ये चमत्कार देखने आई थी। लड़की तो जिंदा नहीं हुई, उल्टा बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया। केस दर्ज हुआ और उसे जेल जाना पड़ा। ये खबर आई थी कि एक लड़की खत्म हो गई है, उसको लेके बैठे हैं ये और वो कह रहे हैं जिंदा हो जाएगी और मान नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में सब। अब जरा इस सबूत को देखिए, देखिए बाबा के पाखंड की कहानी बयां करता 24 साल पुराना पुलिस रिकॉर्ड। ये केस चमत्कार और अंधविश्वास फैलाने के लिए दर्ज किया गया, लेकिन कहानी कहाँ से शुरू हुई वो बताते हैं आपको। इसी आगरा शहर की बात है। हमारे यहाँ पर एक जगह है केदारनगर, और केदारनगर के पास ही एक शमशान घाट बना है और उस शमशान घाट के पास है मल का चबूतरा। 24 साल पहले इस चबूतरे पर 17 साल की लड़की की एक लाश रखी थी। सूरजपाल बाबा ने दावा किया था वो इस लड़की को जिंदा कर देगा। जैसे ही ये बात आसपास के लोगों को पता चली तो देखते ही देखते भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग इसी उम्मीद में शमशान घाट पहुंच गए कि सूरजपाल बाबा कोई चमत्कार दिखाएंगे, मरी हुई लड़की जिंदा हो जाएगी। सूरजपाल के सेवादारों ने कहा था कि सुबह 11 बजे लड़की जिंदा हो जाएगी। टाइम निकल गया लेकिन लड़की जिंदा नहीं हुई। ये होश आया उसको, कुछ भी हुआ उस बच्ची को होश आया, उसने चाय पिया या पानी पिया कुछ भी पिया, उसके बाद जो लड़की है फिर दोबारा क्या कहते मर गई वो। उसके बाद हालांकि बाबा ने ये भी कही थी इसका भाई 10 संस्कार कर दो, ये खत्म हो चुकी लड़की। इसको मल्क चोतरा लेके गए, वहाँ पे इनके भक्तों ने, इनके भाई गुरु वगैरह जो भी इनसे जुड़े हुए थे उन लोगों ने क्या कहते इतना उद्यम किया था मल्क चोतरा के अंदर हद से ज्यादा। उसके बाद यहाँ 4 थानों का फुर्स आया था, भोले बाबा खुद पुलिस लेके गई थी यहाँ से, और जो उनके चेले चपाटे उन पर लाठी चार्ज हुई थी वहाँ पे आके। क्या भोले बाबा पे मुकदमा भी दर्ज हुआ था? हाँ उस टाइम पे हुआ था भैया, इनको लेके गए थे वहाँ पे उसके, लेकिन उसके बाद से कभी भोले बाबा यहाँ ही नहीं थे। शमशान पर चमत्कार न होता देख उस दिन भीड़ बेकाबू हो गई, लिहाजा शाहगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सूरजपाल बाबा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
शमशान घाट में मौजूद महिलाएं पाखंडी बाबा की गिरफ्तारी से भड़क गयी, लेकिन पुलिस ने अपना इरादा न बदला। वो जिंदा नहीं हुई थी, जिंदा नहीं हुई थी, उसको हॉस्पिटल भेजाया था हमने, उसका पोस्टमार्टम कराया था, सब काम कराए थे। बाबा को भी जेल की राह दिखाई। हाँ, बाबा को जेल भेजा था, उनके समर्थकों को भेजा था। अठारह मार्च 2004 को बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में बाबा सूरजपाल के अलावा कुंवरपाल, मेवाराम, प्रेमवती, कमलेश सिंह, मीना और सांवरे का नाम था। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दावा किया था कि इन आरोपियों ने चमत्कारी शक्ति से एक युवती को जिंदा करने का षड्यंत्र रचा था। इसी मामले को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई थी। बाबा के साथ ही 6 लोग इसमें नामजद किए गए। कहते हैं कि सूरजपाल बाबा की कोई औलाद नहीं थी, उसने एक बच्ची को गोद लिया था, लेकिन बच्ची को कैंसर था। इसी बच्ची की मौत के बाद भक्त लाश लेकर बैठ गए। दावा था कि बाबा लाश को जिंदा कर देगा। लाश तो जिंदा ना हुई, पर बाबा पर पहली एफआईआर जरूर हुई थी। तभी से यानी 24 साल से बाबा का पाखंड जारी है। इस बार तो 121 मौत के बाद भी वो चमत्कार दिखाने नहीं आया। पता नहीं भोली भाली जनता को इन पाखंडी बाबाओं का सच कब समझ आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने, पाखंड के इस बाबा को खुद भी जेल जाना पड़ा था और एक बार तो इसने मुर्दे को जिंदा करने का भी दावा कर दिया था। तो ये स्वयंभू बाबा अब, क्योंकि इसकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है, अब लगातार पुलिस जांच भी कर रही है। आने वाले वक्त में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।